एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्ला शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर फहीम खान की हिदायत पर बल्दियाती खिदमात जारी। ईद उल फितर से कबल बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाकर आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड ईद के तीनों दिन कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का बंदोबस्त रखे। रहमतुल्ला शेख। बल्दियाती खिदमात से आरास्ता जिला बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। रहमतुल्ला शेख। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्ला शेख ने कहा है कि ईद उल फितर से कबल ईदगाहों, मसाजिद और रास्तों को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए महकमा जात अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जल्द ही इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद सिकंदर के हमरा म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेने के दौरान किया। उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को कहा कि वो ईद उल फितर के तीनों दिन कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के अमल में कोताही का कतई मुजाहरा ना करें। ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाए कि इलाकों में कचरा जमा ना होने पाए। इस सिलसिले में मुतबादल दिनों में स्टाफ की ड्यूटियां लगाकर उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जा सकता है। इसी तरह DMC ईस्ट में एमरजेंसी बुनियाद पर बल्दियाती खिदमात के लिए महकमा जात मुतहरिक किरदार अदा करने के लिए मौजूद रहेंगे। ज़िला शर्की को बल्दियाती खिदमात से आरास्ता ज़िला बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोए कार ला रहे हैं, जिसका अमल तसलसल से जारी रहेगा।